स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से दो महत्वपूर्ण सूचनाएं जारी हुई हैं। चलिए उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, और दोनों ही जो है बहुत महत्वपूर्ण खबर है। तो पहली जो खबर है वो है 18/8 की जो है फॉरेस्ट गार्ड को लेकर। जैसे कि आपको पता था कि बहुत ही जल्द फॉरेस्ट गार्ड का जो है फिजिकल होना था, उसकी जो है एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होने वाले थे, लेकिन यहाँ पर एक जो है बड़ी सूचना निकल के सामने आ रही है फॉरेस्ट गार्ड भर्ती से संबंधित। वो ये है कि आज आप देख सकते हैं 18 अगस्त की विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि विगत दिनों में आज समान प्रकृति की परीक्षा एवं उच्च तापमान व आर्द्रता होने के कारण सामने आई अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर विचार करते हुए वर्तमान में गर्म मौसम एवं आर्द्रता की दृष्टिगत दिनांक 23 अगस्त, जी हाँ दिनांक 23 अगस्त से 26 अगस्त तक राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम रायपुर देहरादून में आयोजित होने वाले वन आरक्षी परीक्षा 2022 के जो फिजिकल है उसको जो है यहाँ पर स्थगित कर दिया गया है। अब जो क्या है, उक्त परीक्षा से पूर्व लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के अभिलेखों के सत्यापन माह सितंबर 2023 के द्वितीय सप्ताह में आयोग के कार्यालय में कराया जाएगा, जिसकी सूचना अलग से यहां पर की जाएगी, और जो शारीरिक दक्षता है वो आपका माह अक्टूबर में किया जाएगा, प्रस्तावित जो है यहां पर की जाती है। तो यानी कि जो बड़ी खबर इस वक्त के निकल के सामने आ रही है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपके सेप्टेम्बर सेकेंड वीक में होंगे फॉरेस्ट गार्ड के जो चयनित अभ्यर्थी हैं लिखित परीक्षा में, और उसके अलावा जो फिजिकल होंगे आप देख सकते हैं आपके अक्टूबर माह में यहां पर जो है की जाएंगी। तो एक राहत वाली भी खबर है, इसे कह सकते हैं आप अपनी फिजिकल की तैयारी को और इंतजाम और पुख्ता कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी कैंडिडेट्स इसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन फिलहाल आयोग ने जो है ये परीक्षा फिजिकल स्थगित कर दी है। तो ये रही पहली बड़ी खबर। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जामिनेशन 2022 नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ टाइपिंग एंड लिंक। जैसे कि जो आप जो प्रेफरेंस है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है पहला नोटिफिकेशन है, इसको जो है डाउनलोड कर लेते हैं, फिर देखते हैं नोटिफिकेशन में यहाँ पर क्या लिखा है। तो आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन है जहाँ पर अभिलेख सत्यापन के लिए, आप देख सकते हैं अभिलेख सत्यापन में उपस्थित तमाम जो अभ्यर्थी हैं 28/8 से जो है स्टार्ट होगा और 11/9/2000 तक ऑनलाइन जो है लिंक ओपन होगा जो है आपके जो प्रेफरेंसेस का, ठीक है। उसके बाद आपके जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसके अलावा उसके लिए जो है आयोग ने यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड जो है करने का जो है यहाँ पर दे दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आयोग ने ये भी सूचना दे दी है कि सहायक लेखाकार परीक्षा 2022 के तो हिंदी टंकण परीक्षा अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचना, ठीक है। आप देख सकते हैं कैप्स लॉक क्या क्या है यहाँ पर, और जो भी यहाँ पर नियम है सब यहाँ पर आयोग ने यहाँ पर दे दिया है, यानी कौन कौन से जो है चीज़ की का आपको इस्तेमाल करना है, कौन कौन सी की का इस्तेमाल आपको जो है नहीं करना है। उसके लिए एडमिट कार्ड के लिए आप देख सकते हैं ये लिंक है, इस पर जैसे हम लिंक पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड फॉर टाइपिंग एग्जाम एंड डिपार्टमेंटल प्रेफरेंसेस फॉर असिस्टेंट अकाउंटेंट 2022, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम करेंगे क्लिक, जैसे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तीन ऑप्शन हमारे पास आते हैं, लॉग इन विद ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, देन लॉग इन विद एप्लीकेशन एंड डेट ऑफ बर्थ, लॉग इन विद नेम। तो किसी भी एक से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड सब करना। तो ये दो महत्वपूर्ण सूचना आज जो है लोक सेवा आयोग की द्वारा की गई थी, और आपको वीडियो कैसी लगी हो मुझे कॉमेंट करके बताएगी जरूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।